गुड मॉर्निंग इंडिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल धुन प्रिया की एंटरटेनमेंट। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है ओट्स के चीले से। सो मैं ओट्स का चीला बनाने जा रही हूँ आज। मैंने ना इसकी रेसिपी यूट्यूब पर देखी थी, सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, क्योंकि ओट्स जो है वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ओट्स का चीला ट्राई करते हैं। सो देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट रहेगा और कैसे कैसे इसको मैं बनाती हूँ। पूरे जो स्टेप्स हैं मैं उसको फॉलो करूँगी, और सारे तो नहीं मैं कभी फॉलो करती हूँ स्टेप, कुछ अपने अकॉर्डिंग भी करती हूँ, बट देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ। एक बोल में मैंने यहाँ पे ओट्स निकाल लिए हैं, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से गीले हो जाएं, गीले होके फूल जाए, ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए पानी में इजीली, जो चीले के लिए हमें बैटर चाहिए होता है उस टाइप से ये बन जाए। और मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही थी, बट ये थोड़ी ही देर में अच्छे से इसमें ब्लेंड हो गया था पानी में, पूरा ये फूल गया था ईजीली, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे दूध में बनाते हैं तो पानी में भी ये ईजीली फूल गया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी हम चीले में हमें मिक्स करने होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम नहीं था। आई लव कैप्सिकम, मुझे चीले में बहुत पसंद होता है छोटा छोटा ग्रिड किया हुआ, बट आज मेरे पास नहीं था। तो मैं अनियन से टमाटो और ग्रीन चिली ये सब डालकर ही आज चीला बनाने वाली हूँ। सो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इसकी ना, मैंने एक्चुअली मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है, जो व्हीट फ्लावर होता है वो लिया है। आप बेसन भी ले सकते हैं जिनको बेसन पसंद है, बट मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर लिया है, बेसन नहीं लिया है। तो ये थोड़ा सा मैंने बाइंडिंग के लिए डाला था, अदरवाइज़ नहीं भी डालोगे ना तो भी ये ईजिली बन जाएगा। तो ये फैल तो बहुत अच्छे से गया है, ये नॉन स्टिक पैन पर मैंने बनाया है और ये बहुत अच्छे से फैल गया है। और इसके साथ साथ मेरी बन रही है कड़क अदरक वाली चाय। सीरियसली गाइस, ये बहुत ही टेस्टफुल था, मैंने इसको टेस्ट किया, ये बहुत ही टेस्टफुल था। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा ब्रेकफास्ट के लिए ना, ये बहुत ही लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। लास्ट में ना मेरे पास कुछ बैटर ज़्यादा बच गया था, तो मैंने अपना इतना बड़ा चीला बना लिया कि मुझे दोबारा इसमें बनाना ना पड़े। तो मैंने पूरे तवे को ही कवर कर दिया था, थोड़ा थोड़ा साइड में जगह बची थी, गरम नहीं बट ये नॉनस्टिक जो है पैन ये बहुत ही बड़ा है, तो मैंने अपने पूरा एक बार में ही बना दिया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ ये काफ़ी बड़ा हो गया था। oh, no. यहाँ पर मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने देखे थे कि छत पर येलो कलर के फ्लावर्स बहुत सारे खिले हुए थे इस टाइम, तो मैं जा रही हूँ येलो कलर वाले फ्लावर्स को तोड़ने के लिए, ताकि मैं विष्णु भगवान पर उसको चढ़ा सकूँ। वैसे तो फ्लावर्स काफ़ी सारे आते हैं डेली बेसिस पे भगवान को चढ़ाने के लिए, बट येलो कलर का फ्लावर मुझे चाहिए था, जो बड़े बड़े से हमारे गमले में लगे हुए हैं। तो मैं टेरिस पर गई फ्लावर्स को तोड़ने के लिए। इसके बाद मैंने अपने मंदिर को फूलों से सजा दिया, जो मैं हमेशा डेली पूजा करती हूँ, थोड़ी सी करती हूँ बट ज़्यादा नहीं, बट मुझे फूलों से सजाना मंदिर को बहुत अच्छा लगता है। जब तो फूलों का डेकोरेशन नहीं होता ना मंदिर में, तो अपने आप में लगता है कि कोई कमी रह गई है। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है ख़त्म हो गया है, तो मैं
इसको दोबारा से देसी घी में फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। हल्का सा मैं तलूंगी ड्राई फ्रूट्स को और इसको पीस लूंगी जार में, ताकि वो जब दूध पिए या हलवा बने तो ईजी रहता है कि फटाफट उसमें मिक्स करके ऐना को खिला दो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस टाइम। तो मैं ये केवल 2 चम्मच लूंगी। तो 2 चम्मच में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। मोटर बंद कर दो। ये मेरे हल्के से फ्राई हो जाएंगे, तब मैं बादाम और काजू डालूंगी, क्योंकि काजू और बादाम जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये मेरे हल्के हल्के फ्राई हो गए, इसके बाद मेरे दोनों ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर दूंगी इसमें और देसी घी में मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दूंगी। ये कुछ ये रह जाते हैं ना, मुझे ये हटाने में बहुत दिक्कत लगती है। यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो आज मैं सोच रही हूँ कद्दू पूड़ी क्यों ना बनाई जाए। बहुत दिन से मैंने कद्दू पूड़ी नहीं खाई है, तो कद्दू पूड़ी मेनली मुझे भंडारे की पसंद है, घर की कम पसंद है, बट आज मेरा कद्दू पूड़ी खाने का मन कर रहा है तो मैं कद्दू पूड़ी बनाऊंगी। ये कट गया है, मेरी मेवा भी हो गई है, मैं उसको बंद कर दूंगी और प्लेट में निकाल लूंगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको मिक्स में पीस लूंगी। ये बच्चा है चॉकलेट लवर। ईट ईट नो। अच्छा खुद से लेके खा रहा है, खुद से लेके खा रहा है। स्माइल, बोलो हाय हाय, बोलो हाय। क्या हुआ, ठंडी लग रही है क्या? ठंडी ठंडी चॉकलेट लो। शाम के बज रहे हैं 5 और हल्की हल्की सी ठंड अब बढ़ने लगी है, तो मैंने इसको फुल बाजू वाले कपड़े पहना दिए ताकि इसको ठंड ना लग जाए। और मैं इसको जा रही हूँ छत पर थोड़ा सा टहलाने के लिए, क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको छत के पेड़ों के बीच में जाती हूँ, छत पर खेलती है तो इसको भी अच्छा लगता है ना। डोंट टच। तो अब ये मेरे से हमेशा की तरह जिद करेगी
कि मैं इसकी सैंडल उतार दूँ और जिससे कि फ्री होकर खूब इधर उधर दौड़े। अभी मेरे पास क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सैंडल रिमूव कर दे बेटा, अभी ठंडक होने लगी, आपको पहननी चाहिए। अच्छा उतार रही है मम्मा, उतार रही है ना, सैंडल उतरवा के अब वो कितनी खुश है कि वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और अपना भाग रही है आराम से। ये इसको ये सब चीज़ें करनी होती है, इसीलिए इसको सैंडल उतरवानी होती है, क्योंकि सैंडल में ये अपना पूरा एंजॉय नहीं कर पाती है। एना स्माइल, एनो यहाँ पर पेड़ पर ना नींबू आने लगे हैं, तो ऐना का क्या है कि वो डेली आती है और डेली काउंट करती है कि ये मम्मा का है, पापा का है, ये ऐना का है। सो गाइज यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब मैं ऐना को नीचे ले जाऊँगी और हाथ पर उसके धुलाऊँगी और उसको कुछ खिलाऊँगी। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।